हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैच प्रेडिक्शन फॉर टुडे चैनल पर सबको स्वागत है और मैं फिर से एक बार आ गया हूं आप लोगों के साथ। और ये जो आज बात करूंगा वो है कि वेस्ट इंडीज वर्सेस ये जो साउथ अफ्रीका के बीच जो लास्ट मैच होने वाला है, यानी कि सीरीज की जो फाइनल मैच है वो मैच होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ये जो वेस्ट इंडीज की टीम जो खेला था, जो चार चार मैच हुआ है, बहुत एक अच्छे मैच हुआ है और दोनों को दोनों टीम ही दो दो मैच जीता है। तो सीरीज अब तक किसी भी नाम की नहीं हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो टेस्ट की सीरीज था वो तो जीत गई थी, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश किया था, यानी कि दोनों को दोनों टेस्ट ही साउथ अफ्रीका ने जीता था और बहुत ही आसानी से जीता था, बहुत ही अच्छी तरह से जीता था। तो एक लज्जाजनक हार था वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन वेस्ट इंडीज के सभी प्लेयर जो था वो नया था। तो इस बार जो T20 खेल रही है, T20 में तो सभी प्लेयर पुरानी प्लेयर है और अगर सीरीज हार जाती है वेस्ट इंडीज तो एक लज्जाजनक हार होगा किरण पोलार्ड के लिए, क्योंकि किरण पोलार्ड की जो टीम है ना वेस्ट इंडीज की, जो T20 फॉर्मेट के लिए सबसे बेहतर टीम है और मैं बोलूँगा कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम है ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है। क्योंकि यार जो बैटिंग लाइनअप है इसके, अगर 20 ओवर में खेलता है तो 200 के ऊपर रन हो सकते हैं इस टीम के, लेकिन कोई भी मैच में ऐसा नहीं देखा है ये जो वेस्ट इंडीज है। तो होप करते हैं कि लास्ट मैच में ऐसा करेगा और ये जो किरण पोलार्ड है वो हर हालत पर चाहिए अपनी मैच अपनी टीम को जिताने के लिए और सीरीज जीतने के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका की थंबा बाबूमा और डीकुक भी कसम खा के आया है कि वो मैच तो वेस्ट इंडीज को नहीं जीतने देगा और सीरीज भी वो ही जीतेगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा, क्योंकि कोई दिन डीकुक जिस तरह से खेल रहे ये फॉर्म में है बहुत ही अच्छी तरह। और लास्ट दोनों को दोनों मैच में ही वो 50 आप रन किया है। ये जो माक्राम है, ये जो थंबा बाबूमा है और ये इसके साथ रेजा हैंड्रिक भी अच्छी तरह से रन अच्छी पा रही है, वो 20-30 रन एवरेज करती है। ये जो तीनों बैट्समैन के नाम मैंने बताया और ये जो डेविड मिलर है उसको थोड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। ये जो धूसन ने एक मैच अच्छा खेला था, 30 रन किया था, लेकिन उसके बाद जो तीनों मैच में फ्लोप रहा है ये जो धूसन एक अच्छी प्लेयर है, ठंडी दिमाग वाली प्लेयर है, अगर खेलती है तो बहुत ही एक अच्छी खतरनाक बैट्समैन बन सकती है वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग के लिए। और डेविड मिलर को और भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि डेविड मिलर एक अच्छी मिडल ऑर्डर एक लौती बैट्समैन है जो कभी भी किसी वक्त पर भी चल सकती है और अच्छी तरह से धुलाई कर सकती है बैट्समैन को और चार छः की बनना भी बहा सकती है ये जो डेविड मिलर है। तो मेरे हिसाब से डेविड मिलर में को और धीरे खेलना पड़ेगा और टीम के लिए कुछ करना पड़ेगा अगर सीरीज वो जीतना चाहती है। और बॉलिंग लाइन की बात करूँ साउथ अफ्रीका की तो वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि लुंगी नेगिरी, ये जो रवि सामसी, ये जो कागिसो राबाडा या फिर एंडर्स नॉर्जी, जो भी बॉलर है यार बहुत ही अच्छी और इंटरनेशनल हाई लेवल एक बॉलर है ये जो मैंने नाम बताया आप लोगों को। और ये जो लुंगी नेगिरी या फिर कागिसो राबाडा अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये जो रवि सामसी बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है और रवि सामसी ने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग किया था, 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देके वो दो विकेट भी निकाला था रवि सामसी ने, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। और वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप जो है तो वो बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग लिस्ट है इस ये जो प्लेयर है या नाम सुन के ही एक आतंक हो जाती है। इवेन लुइस, ये जो लैंडी सिमोंस, किरण पोलार्ड, डॉयन ब्रावो, ये जो शिमरन हेटमार, निकोलस पोरान, यार कितनी सारी नाम बताऊं मैं आप लोग। इस टीम की 7 बैट्समैन है जो कभी भी मैच पलट सकती है, मैच जीता सकती है एंड रासेल, तो यार बैट्समैन की कोई कमती नहीं है इस टीम की। और किरण पोलार्ड तो है जो पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग किया है और मैच भी जीता है, 25 बल पर 51 रन किया था ये जो किरण पोलार्ड ने, 5-5, 6 मारा था। तो कभी भी किसी वक्त अगर ये वेस्ट इंडीज की 2-2 प्लेयर चल जाती है तो यह साउथ अफ्रीका की बॉलर को धज्जियाँ उड़ा सकती है। और अगर बॉलिंग की बात करो तो बॉलिंग तो यार उतना अच्छा नहीं है वेस्ट इंडीज़ की, क्योंकि बॉलिंग की वजह से वो बार बार हार रही है। और ये जो डॉयन ब्रावो वो तो अच्छी बॉलिंग किया है पिछले मैच में, 4 विकेट निकाला था 4 ओवर में। और उसके साथ साथ ये जो मैको है और सीन सिलीवर है, ये दोनों प्लेयर बॉले, ये ही 2 लौती बॉलर है वेस्ट इंडीज़ की और कोई भी बॉलर नहीं है, सभी ऑलराउंडर है किरण पोलार्ड, ये जो एंड्रो रासेल। अगर किरण पोलार्ड ये सीरीज जीतना चाहती है तो बॉलिंग लाइन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और डॉयन ब्रावो एक अच्छी बॉलिंग कर रही है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बैट नहीं चल रही है लेकिन बॉलर बॉलिंग अच्छी चल रही है इस डॉयन ब्रावो की। और आंद्रे रासेल की बात क्या करूँ कि वो फॉर्म में नहीं है या फिर उसकी दिमाग अच्छी नहीं है या फिर वो खेलना नहीं चाहता, ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि चारों मैच में आंद्रे रासेल कुछ नहीं कर पाया, ये इसके आंद्रे रासेल से ये होप नहीं करती है अपनी कंट्री। तो किरण पोलार्ड एक अच्छी कप्तान है और कोशिश करेगा हर हालत पर ये मैच जीतने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस मैच का फाइनल विनर हो सकती है, जो सीरीज जीतेगा वो
सिकंदर और जो हारेगा वो है बंदर। यार ये नहीं बोलेंगे हम, तो मेरे हिसाब से इस मैच का विनर रह सकती है वो है वेस्ट इंडीज़। अपनी जो पाँचवीं नंबर मैच है यानी कि सीरीज जो है वो हर हालत पर मैच जीतेगी, वो डिपेंडेंट करे या फिर चेस करे ये टेंशन करने के लिए कोई बात नहीं है। ये मैच मेरे हिसाब से किरण पोलार्ड अपनी नाम कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लिए, और क्रिकेट है कुछ भी हो सकती है ये क्या मालूम, लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलते हैं आज के लिए, और जाने से पहले यार अभी भी हमारे साथ हो, चैनल के साथ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक मार देना यार। लाइक मारने से कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई MB नहीं लगता है, तो वीडियो को लाइक मार देना। और चलते हैं आज के लिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो यार। तो चलते हैं आज के लिए।